हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए जो क्लास लेके आया हूँ वो एडवांस स्ट्रक्चर्स के ऊपर है, मतलब एडवांस क्लासेस के ऊपर है, एडवांस क्लासेस एडवांस कोर्स के ऊपर है। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली दो क्लासेस में आप लोगों को जो बताया था वो क्या बताया था कि हम लोगों के यहाँ जो कोर्स प्रोवाइड होंगे, बेसिक कोर्स होगा आप लोगों का, सेमी एडवांस होगा और एक एडवांस होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे एडवांस कोर्स के ऊपर। ठीक है, एडवांस कोर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंटरव्यू स्किल्स के। आप लोग चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लें, लेकिन जब आप लोगों का पढ़ाई के बाद आप लोग कहीं पे किसी भी कंपनी के लिए जाते हैं, कहीं भी सिलेक्शन के लिए जाते हैं, तो एक चीज़ जो होती है सबसे पहले सामने आते हैं कि आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में आप लोगों का क्या क्या तैयारी होगी, क्या क्या उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या उसके लिए प्रिपरेशन होगी, वो सभी चीज़ें हम लोगों का इंटरव्यू स्किल्स के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज होना कैसी चाहिए? आप लोगों का बात करते समय, आप लोग बैठते समय, आप लोग चलते समय, आप लोग सुनते समय, मतलब एक तरह की लैंग्वेज आपकी बॉडी क्या प्रदर्शित करती है, क्या प्रेजेंट करती है, उसके बारे में आप लोगों का बॉडी लैंग्वेज में हम लोग आप लोगों को बताएंगे। थर्ड, आप लोगों का न्यूज़पेपर एंड स्टोरी टेलिंग। देखो, न्यूज़पेपर रीडिंग और स्टोरी टेलिंग कैसे आप लोगों को करनी है, किस तरीके का आप लोगों का पढ़ते समय आप लोगों का कितना गैप लेना चाहिए, कितना आपका इंटोनेशन होना चाहिए, कितना आपको ऊंचा बोलना है, कितना पीक शुड बी हाई और लो। ठीक है, कितनी आपको ज़्यादा पीक करनी चाहिए, रोल कितनी टंग करनी चाहिए। तो स्टोरी टेलिंग और आप लोगों का न्यूज़पेपर रीडिंग में आप लोगों का इसके बारे में बात करेंगे। प्रोवर्ब्स, देखो प्रोवर्ब्स मैंने आपको फ्रेजेस बताया था, उसी तरीके से हिंदी में से लोकातियाँ बोलते हैं, मीन्स इट्स वेरी हार्ड टू स्पीक। ठीक है, बहुत सारे मुहावरे जो होते हैं तो प्रोवर्ब्स के अंदर हम लोग उनके ऊपर बात करते हैं, ये सिमिलर होते हैं, फ्रेजेस की तरह ही होते हैं। ठीक है, डिबेट्स एंड कॉम्पिटिशन। डिबेट्स, आप लोगों का किस टॉपिक पे डिबेट्स करना है और किस पे कंपटीशन होगा। देखो, कंपटीशन जो भी है आप लोगों का एक तरह का, हम लोग आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड करेंगे और क्लासेस में देखा जाएगा कि कौन आप लोगों का, जितने भी आप लोग क्लासेस में, एक क्लास में होंगे, ऑनलाइन क्लास के अंदर जितने व्यक्ति होंगे सबको एक पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाएगी, तो उनके बीच कॉम्पिटिशन कराया जाएगा और पॉसिबल होगा तो हम लोग उनको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन। देखो, हर कोई व्यक्ति अपने आप, जैसे आप लोग कहीं भी जाते हैं तो अपने आप को प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है लोगों के सामने, तो ये आपकी प्रस्तुति ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से अच्छी हो, ये आप लोगों को प्रेजेंटेशन में कैसे दी जाएगी वो हम लोग बताएंगे। कि आपको बोलते समय आप लोगों ने देखा होगा, प्रेजेंटेशन देते समय पहली बात तो आप टॉपिक ही भूल जाते हैं। सामने वाले ने टॉपिक बोला वो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, बोलो आप ग्लोबलाइजेशन के बारे में बोलने लगे, सामने वाले बोला कि व्हाट्स योर नेम, आपने अपने पापा का नेम बता दिया। तो ये जो परेशानी होती है प्रेजेंटेशन, हम टॉपिक्स आप लोगों को बताएंगे और कैसे प्रेजेंटेशन देनी है आपको, इस आप लोगों का इस टॉपिक के अंदर हम लोग आपको बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोगों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट 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 मींस डेवलप को भी कितने प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, देखो आप लोग चाहे काले हो चाहे गोरे हो, आपकी पर्सनैलिटी आपके व्यक्तित्व से नजर आती है कि आप लोगों के सामने किस तरीके से बोलते हो, किस तरीके से खाते हो, किस तरीके से बैठते हो। मतलब इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स के अंदर जो होता है, ये बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यू स्किल्स, ये सभी चीजें इसी के अंदर आ जाएंगी। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपका बहुत सारी और चीज़ें भी ऐड हैं जो इस पैराग्राफ में आप लोगों को बताया नहीं जा सकता, बस ये थोड़ा सा मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
ठीक है, साइलेंट वर्ड्स। देखो आप लोग किसी वर्ड्स को बोलते हैं तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि साइलेंट हो जाते हैं। जैसे आप लोग अमेरिकन्स की बात करें तो वो आर का प्रनंस नहीं करते, वो मतलब टी का प्रनंस नहीं करते, सॉरी आर का प्रनंस ब्रिटिश पीपल नहीं करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, वो इंटरव्यू नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं इंटरव्यू अमेरिकन्स। बट इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रिटिश पीपल दे कॉल इट इंटरव्यू, दे आर नॉट कॉलिंग आर। तो जो जो आप लोगों के साइलेंट वर्ड होंगे, मतलब किसके बाद क्या आने से कौन सा वर्ड साइलेंट हो जाएगा, इस एडवांस क्लास में आप लोगों का हम लोग इस पे फोकस करेंगे। वर्क ऑन प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन एक लैंग्वेज को बोलते समय आपने देखा होगा जब अमेरिकन और ब्रिटिश या किसी अदर कंट्रीज के लोग बोलते हैं मैं खाना खाता हूँ, मैं वहां जागा, मतलब मीन्स मैं आ रहा हूं, मीन्स दे आर हैविंग अ डिफरेंट वे टू स्पीक योर लैंग्वेज। द सेम थिंग यू डू इन देयर अदर कंट्री पीपल, मीन्स यू डू द सेम थिंग इन अदर कंट्री, यू विल स्पीक लाइक इन योर टंग। आप अपनी भाषा को, मतलब उनकी भाषा को अपने ही टंग में बोलने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपकी टंग आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है, इसलिए आपके मुँह से वो निकलती है। तो उसी तरीके से अगर आपको किसी लैंग्वेज को मजबूत बनाना है तो उसके जो एक्सेंट होते हैं, उसके जो प्रोनंसिएशन होते हैं, उन पे आप लोगों का फोकस करना है। क्लास के अंदर बुलवाया भी जाएगा, प्रैक्टिस क्लास होगी यार, बहुत ज़बरदस्त होने वाली हैं क्लासेस। तो देखिएगा, कोर्स आप लोगों के सामने हम लॉन्च करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।